नेक्स्ट वो चीज कहता है, वो कहता है कि पास्ट का ना जो माजी का एक बहुत ही बड़ा काम है, जो पास्ट है वो आपकी जिंदगी में, हर किसी का एक पास्ट है, और हर किसी की जिंदगी में हर किसी की जिंदगी में जो भी बालिग हो चुका है, जिसको शऊर है, उसको ये पता है कि हर किसी की जिंदगी में एक ऐसा पास्ट है जिससे वो जान छुड़ाना चाहता है। अब वो कहता है जान हर कोई छुड़ाना चाहता है, लेकिन पास्ट का जो माजी का सबसे बड़ा काम है वो क्या है? पास्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ एक्सपीरियंस। वो कहता है माजी का जो सबसे बड़ा काम है ना वो ये कि वो आपको तजुर्बा देता है। वो कहता है जो लोग भी माजी के मानी पछतावे में ले रहे हैं, वो कह रहा है आप में से मेरे में से कोई भी माजी को चेंज नहीं कर सकता, पास्ट को चेंज नहीं कर सकता, लेकिन जो पास्ट में उसके साथ हुआ है या उसने किया है उसके मायनी को चेंज कर सकता है। देखिए लिखा है आगे ब्रैकेट में, चेंज द मीनिंग ऑफ पास्ट, यानी जो पास्ट से सबसे बड़ा हमें सीखने का तरीका है ना वो तजुर्बा है। अगर आपने पास से तजुर्बा नहीं लिया तो रिग्रेट लेंगे, पछतावा लेंगे। इसलिए वो कहता है पास्ट का एक बहुत बड़ा काम है कि पास्ट से सीखा जाए। अगर आप पास्ट से सीखते हैं तो आगे बढ़ेंगे, नहीं तो फिर वैसे ही कुदरत बताए ना आपको बार बार रिपीट करवाएगी एक ही गलती को। नेक्स्ट चीज़ वो कहता है मेक श्योर योर पास्ट इज़ नॉट इक्वल टू द फ्यूचर। कमाल की फिलॉसफी है। वो कहता है इस दुनिया के खुशकिस्मत तरीन लोग कौन होते हैं, क्योंकि मैंने अभी शुरू में एक कहानी सुनाई है, वो बकर भाई आप तो नहीं थे, वो टॉनी रॉबिन्स की बचपन की कहानी थी, बिल्कुल गुरबत से स्टार्ट किया, और ये वो शख्स है सर जो अमेरिका के प्रेजिडेंट्स का ट्रेनर थे। तो ये कहता है कि खुशकिस्मत तरीन लोग इस दुनिया में पता है कौन लोग होते हैं, जो ये चाहते हैं कि हमारा पास्ट इज़ नॉट इक्वल टू फ्यूचर हो, यानी हमारा माजी जो था था, हमारा फ्यूचर बहुत शानदार होना चाहिए। अब वो कहता है कि जिस शख्स को अपना फ्यूचर शानदार करना है वो क्या करेगा, क्या स्ट्रगल करेगा? सर स्ट्रगल करेगा ना, मेहनत करनी चाहिए। वो कहता है नहीं, मैं मेहनत को मानता ही नहीं हूँ। तो ये अब ये फिलोसफी सुनेगा। वो कहता है जिस शख्स को चाहिए कि फ्यूचर बहुत शानदार हो, पास जैसा भी था, अब उसको स्ट्रगल नहीं करना, उसको स्ट्राइव करना है। स्ट्राइव मतलब इंटेंसिटी के साथ, पूरे जुनून के साथ मेहनत करनी है, यानी अब उसको पागल होना पड़ेगा जिसे कहते हैं हम। वो कहता है मेहनत तो सारे कर रहे हैं, आपको कोई नहीं मिलेगा कि जो मेहनत नहीं करता, हल्की पुल्की मेहनत सारे ही कर रहे हैं। वो कहता है लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका जो मुस्तकबिल आने वाला है वो माजी जैसा ना हो, उससे बेहतर हो, तो स्ट्राइव के साथ मेहनत करें, जुनून के साथ, इंटेंसिटी बढ़ जाएगी।